फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और यह महीना टेक लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस महीने आपको टेक्नोलॉजी का महाकुंभ देखने को मिलता है जिसको MWC कहते हैं। यही नहीं, इस महीने आपको और भी दूसरे दमदार लॉन्चेस देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट इस बार इंडिया में भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ फरवरी 2019 दैट वी कैन सी इन इंडिया। Xiaomi की Redmi Note सीरीज बहुत ही फेमस है, लोग ये फोन्स पसंद भी करते हैं और इसके अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर भी लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में लॉन्च हुआ Redmi Note 7 जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी ने पेश किया था, अब वो इस महीने 12 तारीख को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कंपनी 12 फरवरी को अपनी नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन पेश करेगी। हालांकि उसका नाम नोट 7 होगा या नोट 7 प्रो होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि उसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जाएगा, क्योंकि ये बात कंपनी के हेड मनु कुमार जैन ने खुद ट्वीट करके बताई थी। वीवो के अपकमिंग पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, तो आपको बता दूं कि फाइनली अनाउंस हो गया है कि कंपनी फरवरी के महीने इस फोन को इंडिया में लेकर आ सकती है। इनफैक्ट 91 मोबाइल्स के पास एक्सक्लूसिव खबर आई है कि 15 फरवरी से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी और वीवो V15 प्रो के हमारे पास कुछ स्पेक्स भी हैं जिनको मैं आपको बता दूं। तो आपको यहां पर जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि कंपनी इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट मुहैया करवा रही है, साथ ही साथ इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर सेंसर दिया जाएगा। इस महीने लगता है कि लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनी आपको कम रेंज में बेहतरीन से बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाले फोन मुहैया करवाएंगी, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माना जा रहा है कि ओप्पो का नया स्मार्टफोन K1 6 फरवरी को इंडिया में पेश हो सकता है। आपको बता दूं कि ये अब तक का सबसे सस्ता इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन माना जा रहा है। इस फोन के स्पेक्स की बात करें तो खबर के अनुसार इसमें 6.4 इंच का एमोलेड पैनल देखने को मिल सकता है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट होगा, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 3600mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। अब जब ओप्पो और वीवो अपने नए स्मार्टफोन इस महीने लेके आ रहे हैं तो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी कैसे पीछे रह सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 3 की। माना जा रहा है कि कंपनी इस महीने इस फोन को इंडिया में पेश कर सकती है। हालांकि पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए अभी हमारे पास इसके स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस 48 मेगापिक्सल कैमरा वाली रेस में रियलमी शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी के हेड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। फरवरी 2019 में आपको वीवो का एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसका नाम है वीवो Y79। कंपनी इस फोन को ऑलरेडी चाइना में लॉन्च कर चुकी है और इसके स्पेसिफिकेशन भी पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, पर मैं आपको इसकी हाईलाइट बता दूं तो इस फोन के मेन स्पेक्स हैं कि इसमें आपको दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट और 24 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। वहीं माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए हो सकती है। तो ये थे अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ फरवरी 2019 दैट वी कैन सी इन इंडिया। पर इसके अलावा भी बहुत से स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे जिनके बारे में अभी तक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर जैसे ही हमारे पास कंफर्म्ड और डिटेल्ड स्पेक्स या फिर न्यूज़ आएगी तो हम हमेशा की तरह आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको उस फोन के बारे में जरूर बताएंगे। पर एनीवे, इन फोन्स को लेके आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई ID पर जाके जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल IDs आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।